चलो गेमर्स, कैसे हैं आप लोग? यहाँ सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम करने वाले अपने मोटोरोला S50 प्रो के यहाँ पर अंदर भाई BGMI को टेस्ट। तो आप भाई फ़ोन वगैरह चेकआउट कर सकते हो, मैंने अपने BGMI को इंस्टॉल कर लिया है। सो गाइस, हम भाई ग्राफिक्स को चेक कर लेते हैं अपने फ़ोन के अंदर। सो आप देख सकते हो, हम भाई अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर अपने आ चुके हैं। सबसे पहले आप ग्राफिक्स को चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर ग्राफिक्स आप भाई चेकआउट कर सकते हो, जेस्को वगैरह भी आप भाई देख सकते हो। सो आपको भाई इसमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, बैलेंस प्लस एक्सट्रीम, HD प्लस एक्सट्रीम, HDR प्लस एक्सट्रीम, UltraHD पर अल्ट्रा, यानी कि इसमें आप भाई मैक्सिमम UltraHD तक खेल सकते हो और भाई स्मूथ पे एक्सट्रीम खेल सकते हो भाई, ठीक है। 60 FPS ही गेमिंग कर सकते हो। सो फटाफट से अपन अपने हम एरिना को स्टार्ट कर लेते हैं और भाई चेक कर लेते हैं अपना BGMI हमारा कैसे चल सकता है इस वाले फ़ोन के अंदर। बाकी भाई फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसमें आपको भाई 6.7 इंच की एक भाई डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि भाई इसमें आप भाई आराम से अच्छी खासी गेमिंग निकाल सकते हो बिना किसी लैग के। आपको इस पर भाई लैग देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भाई फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे खासे भाई चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाकी डिस्प्ले तो आपको मैंने बता ही दिया भाई, काफ़ी आपको अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है। चिपसेट की बात करें तो आपको भाई इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कैसे हमारा भाई यहाँ पर भाई ऑक्टापोर 2.63 GHz का भाई चिपसेट होने वाला है। तो कैसे अगर आप चिपसेट की बात करें तो आपको भाई इसमें अच्छा खासा चिपसेट देखने को मिल जाता है, आप इसमें अच्छी खासी गेमिंग निकाल सकते हो। ये वाला चिपसेट गाइस आपको भाई अभी जो भाई हमें फ़ोन लॉन्च हुआ है गाइस हमारा भाई यहाँ पर OnePlus Nord का, उसमें भी आपको सेम चिपसेट देखने को मिलता है। इनके भाई चिपसेट आपको भाई काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है, इसमें आप 60 FPS की गेमिंग भाई नॉन स्टॉप मतलब अच्छी खासी कर सकते हो। तो कहते हैं चिपसेट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी भाई अगर आप बात करें भैया मेरी बैटरी की, तो उसमें आपको भाई 4500 mAh की भाई एक बैटरी देखने को मिल जाती है। देखो भाई बैटरी तो देखो कुछ उसकी सही सही से लगी, ऐसी बात नहीं कि भाई इसमें जब हमें कम बैटरी दिया है तो भाई यहाँ पर आप BGMI ज़्यादा देर तक नहीं खेल सकते। आप इसमें आराम से भाई 3 घंटे तक भाई BGMI आराम से खेल सकते हो, आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। आपको उसमें भाई काफ़ी अच्छी खासी बैटरी देखने को मिलती है और भाई बैटरी भाई जल्दी से ड्रेन भी नहीं होती, आपको उसमें अच्छी खासी बैटरी देखने को मिल जाती है। चार्जिंग की बात करें तो आपको इसमें 125 वाट का भाई एक चार्जर देखने को मिल जाता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा भाई फास्ट होने वाला है भाई चार्जर का, आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से भाई चार्ज हो जाएगा। तो गाइस ओवरऑल भाई फ़ोन की बात करो तो आप इसमें भाई अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, आपको उसमें बैटरी अच्छी मिलती है, चार्जिंग स्पीड आपको उसमें फास्ट मिलती है और भाई डिस्प्ले आपको उसमें अच्छी खासी मिल जाती है। कैमरा की बात करो तो आपको भाई इसमें कैमरा भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, कि भाई कैमरे की बात मैं नहीं करूँगी कि भाई यहाँ पर हम गेमिंग की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आप भाई कैमरे की भाई अलग वीडियो देख सकते हो। बाकी देखो भाई गेमिंग की बात करो तो इसमें भाई गेमिंग भाई जोड़ कर सकते हो, आपको इसमें लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। हाँ भाई अगर आप भाई गोडिंग वगैरह में खेलोगे तो गाइस आपको हल्के हल्के फ्रेम रेट देखने को मिल सकते हैं, वो गाइस आपको हर फोन में देखने को मिलते हैं। बाकी भाई आप भाई यहाँ पर गेम प्ले मुझे देख रहे हो कि आप कितने ज़्यादा भाई हमारा अच्छा गेम प्ले चल रहा है, आपको उसमें लाइक देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें अपने क्लासिक मोड की तो वो आपका भाई थोड़ी देर में चल जाएगा, उस आप भाई आराम से वॉच कर सकते हो और भाई क्लासिक में आपको भाई जो लाइक देखने को मिलेगा भाई, इसलिए भाई फुल वीडियो को वॉच कर लेना क्लासिक वाली की। बाकी भाई TDM में आप देख सकते हो हमको भाई एक भी लाइक देखने को नहीं मिल रहा। अगर आपको भाई मेरी वीडियो भाई हेल्प लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, आप कहना भाई चैनल को। बाकी भाई हम मिलते हैं वीडियो के एंड में, आप भाई गेम प्ले इन्जॉय करो।
about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Awesome.